एक कहानी आज सुनाऊ, जंगल की मैं बात बताऊ। एक था जंगल, एक था जंगल, हरा भरा था, खूब घना था। उस जंगल में खूब मजे से मिलकर रहते हाथी और खरगोश। बड़ा था हाथी, बहुत बड़ा था, नाम था चिंटू। छोटा था मिंटू खरगोश। कौन था छोटा? मिंटू खरगोश। कौन था बड़ा? चिंटू हाथी। कौन था छोटा? मिंटू खरगोश। दोनों में थी बहुत दोस्ती। चिंटू मिंटू सच्चे साथी। आपस में वे खूब खेलते, चुपके चुपके बातें करते। एक कहानी आज सुनाऊं, जंगल की मैं सैर कराऊं। उस बड़े से हाथी ने फिर क्या किया और वो छोटा सा खरगोश कहाँ चला गया? सुनो ध्यान से। रोज रात को एक नदी पर चुपके से जाता खरगोश। टीले पे चढ़कर चंदा को ताका करता था खरगोश। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारा चंदा मामा और चिंटू हाथी जो खरगोश से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, हाथी तो खरगोश से बहुत बड़ा होता है। उसे तो बस अच्छा लगता था। बताऊं क्या अच्छा लगता था? हाँ हाँ भैया बताइए। सूर में अपनी पानी भरता, इसलिए वो मजे मजे से खूब नहाता, खूब खेलता। और उधर मिंटू खरगोश, काम न उसको कुछ भाता था। रोज रात को बैठ नदी पर चंदा को ताका करता था। पर इससे क्या मिल सकता था मिंटू को अपना चंदा मामा? एक दिन चिंटू ने देखा बीच नदी में चंदा को। उसने झट से खुश होकर दिखलाया वो मिंटू को। चंदा मामा कितना सुंदर दिखता है पानी के अंदर। पानी जब जब हिलता है चंदा लुक छुप करता है। एक कहानी आज सुनाऊं, जंगल की मैं बात बताऊं। चिंटू की फिर करी सवारी, जंगल जंगल घूमा। हाँ हाँ सारा जंगल घूमा। अब क्या तुम बता सकते हो चिंटू कौन था और कौन था मिंटू? और ये भी कि बड़ा कौन था और छोटा कौन था? चिंटू था या मिंटू? सोचो। चिंटू था हाथी और मिंटू खरगोश। बड़ा था हाथी और छोटा था खरगोश।